हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मित्रा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं और साथ ही साथ में मैं आपको साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। जनपद का मतलब होता है फ्रेंड्स जिला, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। तो इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद तथा इनकी माता का नाम था हेमरानी देवी। आगे है कि इनकी माता जी जो है हेमरानी, ये धार्मिक स्वभाव की महिला थी, ठीक है, धार्मिक स्वभाव की महिला थी। और महादेवी वर्मा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंदौर में तथा इनकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई, ओके। महादेवी वर्मा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई थी? तो इंदौर में हुई थी। इनकी जो उच्च शिक्षा है वो प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत भाषा में जो है MA उत्तीर्ण किया, ठीक है ना। उसके बाद जो है महादेवी वर्मा जी का विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनका जो विवाह है महादेवी वर्मा जी का, ये छोटी आयु में ही हो गया था। पति का नाम था रूप नारायण वर्मा। तो इन्हीं के साथ जो है ये महादेवी वर्मा जी का जो है शादी, मतलब विवाह, जो कम उम्र में ही हो गया था, ठीक है। आगे के कुछ समय तक जो है इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। महादेवी वर्मा जी ने कुछ समय तक चांद पत्रिका का संपादन किया और इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए भी सदैव संघर्ष किया। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को जो है हुई। देखिए बहुत आसान है जीवन परिचय, आप फटाफट से याद कर सकते हैं और बहुत ही आसान आसान लाइन मैंने आपको बताई है, तो बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हम इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका साहित्यिक परिचय, महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना की प्रधानता है, ठीक है। इनके जो काव्य है, महादेवी वर्मा जी का जो काव्य है उसमें जो है वेदना की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने जो है नारी को अपनी स्वतंत्रता, ठीक, अधिकारों के प्रति जो है सजग किया। उन्हें बताया है कि उनकी जो स्वतंत्रता है वो कितने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अधिकार उनके बताए हैं, ठीक है, जो उनके अधिकार हैं उनको बताया, उसके प्रति जो है सजग किया है नारियों को। आगे फ्रेंड्स कि इनकी साहित्य सेवाओं के लिए, इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें जो है पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी साहित्य सेवाओं के लिए, ओके। अब ये साहित्यिक परिचय, अब हम चलिए रचनाएं देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं अतीत के चलचित्र, निहार, रश्मि और नीरजा। एंड फ्रेंड्स, ये जो रचनाएं हैं ये इनकी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं। विकल्प वाले जो क्वेश्चन है पेपर में अधिकतर इन्हीं की रचनाओं से, मतलब जितने भी सारे लेखक और कवि दिए हैं आपके बुक में ना, उन्हीं की रचनाओं से अधिकतर क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के बोर्ड परीक्षा में जो विकल्प वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो जितने भी सारे मैंने लेखक और कवि का जीवन परिचय बताया है आपको, उन सभी की मैंने इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको बताई है। सो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।